आने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। महुआ मोइत्रा ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। यूपी में कावड़ यात्रा बार पर नेम प्लेट मामले पर सुप्रिया सुले का बयान। कहा, यूपी में बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है वो संविधान के खिलाफ है। संविधान हर नागरिक को अधिकार और सम्मान देता है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। भक्तों में भारी उत्साह, सभी ने लगाए भोले बाबा के नारे। सावन के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया स्नान। हरिद्वार में उमड़ी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव के नारों से गूंजी रामनगरी अयोध्या। शिवालयों पर भक्तों ने किया जलाभिषेक। श्रद्धालुओं में नजर आया उत्साह का माहौल। यूपी के वाराणसी में मंदिरों में दिखी भक्तों की भीड़। सावन के पहले सोमवार के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। सावन के पहले सोमवार के मौके पर उज्जैन के मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। भक्त कर रहे बाबा का जलाभिषेक। मंदिरों में गूंज रहा शिव का नारा। एमपी के ग्वालियर में भी शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़। मंदिरों में भक्तों ने की महादेव की पूजा, लिया बाबा का आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी मंदिरों में नजर आई भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने भोले बाबा के किए दर्शन, बाबा का किया जलाभिषेक। दिल्ली में भी भक्तों ने गौरी शंकर मंदिर में की पूजा अर्चना। बोले, भाषा को जल चढ़ाकर बाबा को आशीर्वाद दिया। सावन के पहले सोमवार के मौके पर नोएडा के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा। भक्तों ने किया बाबा भोले का जलाभिषेक। रेवाड़ी में सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। भारी संख्या में जलाभिषेक के लिए पहुंचे भक्त। राजौरी में भारतीय सेना ने आतंकी हमले को किया नाकाम। सेना चौकी पर हुआ था हमला, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। मुठभेड़ के बाद इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। गोलीबारी के दौरान एक आतंकी के घायल होने की खबर है। जम्मू के सामा में सेना का सघन सर्च ऑपरेशन तेज। आतंकी सुरंग होने का मिला इनपुट। सुरंगों के जरिए सीमा पार से जम्मू में एंट्री करने का शक। कारगिल विजय दिवस पर द्रास जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्रास में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। जवानों से भी मिलेंगे पीएम। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के पूरे होंगे 25 साल। संसद के मानसून सत्र का आज से आगाज। 12 अगस्त तक चलेगा संसद का यह सत्र। इस दौरान सरकार की ओर से 6 विधेयक भी पेश किए जाने की उम्मीद। संसद का ये सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष की तरफ से नीट पेपर लीक के साथ साथ कांवड़ नेम प्लेट मुद्दे को उठाए जाने की संभावना। संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को करेंगे संबोधित। सभी राजनीतिक दलों से सदन में बजट पर चर्चा करने और सुचारू ढंग से सदन की कार्रवाई को चलने देने की अपील कर सकते हैं। सत्र के पहले दिन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को सदन के पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बजट सत्र को लेकर कहा, मोदी सरकार के पूरे मंत्री तैयार हैं। विपक्षी दलों को हंगामा ना करके अपनी भूमिका रखनी चाहिए। आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। 26 अगस्त तक चलेगा सत्र। बीजेपी सरकार सदन में अपनी कई नई योजनाएं पेश करेगी, तो वहीं विपक्ष ने विधानसभा को घेरने का प्लान बनाया है। ओडिशा विधानसभा का सत्र आज से होगा शुरू। ओडिशा की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र हंगामेदार रहने के आसार। 25 जुलाई को मुख्यमंत्री मांझी पेश करेंगे बजट। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से करेंगे मुलाकात। आरक्षण और दूध उत्पादक किसानों को मिलने वाली दूध की कीमत के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हरियाणा की तरह उत्तराखंड सरकार भी अग्निवीरों को देगी नौकरी में आरक्षण। उत्तराखंड में अग्निवीरों को नियोजित करने की योजना लागू करने की तैयारी। महाराष्ट्र के पुणे में गृहमंत्री अमित शाह का बीजेपी अधिवेशन में संबोधन। विधानसभा चुनाव के लिए भरी हुंकार। शाह ने स्वराज के संकल्प को दोहराया। कहा, राज्य में फिर बनाएंगे महायुति की सरकार। महाराष्ट्र के पुणे से महाअघाड़ी पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, अघाड़ी वाले हैं औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य। शिव पवार को बताया भ्रष्टाचार का सरगना। टीएमसी की रैली में ममता का बेतुका बयान। कहा, मैं चाहती हूं बंगाल के साथ हिंदुस्तान के अच्छे हो रिश्ते। बीजेपी का पलटवार। कहा, बंगाल को बांग्लादेश बनाने में जुटी है ममता। देश बांटने की है इनकी मंशा।
रीवा जिले में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। दो महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश, सड़क बनाने का विरोध कर रही थी ये महिलाएं। एमपी में महिलाओं को जिंदा गाड़ने के मामले में 3 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। आरोपियों के खिलाफ उठी सख्त कार्रवाई की मांग। रीवा की घटना पर सीएम मोहन यादव सख्त बोले, महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। मौके पर सुनी लोगों की समस्याएं, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 19 जून को शिक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षा को रद्द किए जाने का फैसला लेते हुए सीबीआई को पेपर लीक की जांच करने के लिए कहा था। एनटीए ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा। आईटी मद्रास के निदेशक के खिलाफ हितों के टकराव के आरोपों का खंडन किया। निदेशक ने ही तैयार की थी एनालिटिक्स रिपोर्ट। गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर साधा निशाना। कहा अविमुक्तेश्वरानंद देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अविमुक्तेश्वरानंद को पूरा समर्थन दे रही है। या सिख या पारसी, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ अपने आस्था के कारण विक्टिमाइज होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको स्थान नहीं देंगी। और आज कह रही हैं कि जो भी आएगा उनको हम बसाएंगे, इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी, ये संविधान संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको यह अधिकार है क्या? ये अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। आप ही केंद्र में मंत्री रही हैं। दिस पावर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एट ऑल। किसको नागरिकता देनी, किसको बसाना, किसको नहीं बसाना। और ममता जी को मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा, 71 का वॉर हुआ था तो उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि जो विस्थापित आए थे उनको हम बसाएंगे, क्योंकि वहाँ विक्टिमाइज हो रहे थे। बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, सेटल हो जाए, हम सभी इसका आग्रह करेंगे, हमें उसमें नहीं पड़ना है। लेकिन एक मुख्यमंत्री सीधा घोषणा करे, इसका मतलब क्या है? क्या भारत की एकता को तोड़ना चाहती हैं आप? उनके ये भी स्वर निकले कि बंगाल का रिलेशन हिंदुस्तान के साथ अच्छा हो, इसका क्या मतलब है? ममता जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जिस बंगाल ने रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ऐसे लोगों को की जननी है, देश में अलग जगह आई, तो आप कहते हैं रिलेशन हम अच्छा करेंगे? आपका ये वक्तव्य भर्सना योग्य है और बहुत ही गैर जिम्मेदारना है ममता जी। इसका शुद्ध और शुद्ध लक्ष्य है जिस तरीके से बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है उसको जस्टिफाई करने के लिए एक कारण ढूंढना। आपको मालूम है जब भारत आजाद हुआ था सिर्फ 3 जिले